आरपीडी न्यूज की टीम पहुंची ग्राम पंचायत सोडलपुर पंचायत समिति सुहागपुरा जिला प्रतापगढ़। सरपंच पद के उम्मीदवार गोर्धन निनामा से बातचीत में उन्होंने बताया कि सड़कों का निर्माण कार्य अधूरा है। वे ग्राम पंचायत में विकास कार्य ऐसे बहुत से अधूरे हैं जिन्हें वे पूरा करवाना चाहेंगे। मैं बिबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं पंचायत समिति सुहागपुरा की ग्राम पंचायत सोडलपुर के अंदर और विशेष जो सरपंच पद प्रत्याशी है गोर्धन जी निनामा उनसे खास बातचीत करते हैं, क्योंकि गोर्धन जी निनामा है वो पूर्व में सरपंच रह चुके हैं और एक बार पुनः ये भाग्य आजमा रहे हैं और चुनाव मैदान में है। और खास बातचीत में हमारा मुख्य उद्देश्य है कि वो किन एजेंडों को लेकर चुनाव मैदान में आए हैं, उनके मुख्य उद्देश्य क्या है। तो खास बातचीत गोर्धन जी निनामा से। सरपंच साहब नमस्कार। तो गोर्धन जी ये बताइए कि आप पहले पूरा परिचय दीजिए, पहले कब सरपंच थे? जी सर, मैं पहले 2010 से 15 तक रहा हूँ। 2010 से 15 तक? जी सर। उसके बाद 15 से 20 तक ग्राम पंचायत में दूसरा सरपंच रहा है। जी जी। तो अब की बार वापिस चुनाव मैदान में आने का रीजन क्या निनामा जी? सर, जो भी अपनों ने पहले कार्य किया वो वहीं का वहीं पड़ा है। जी जी। जैसे सीसी सड़क वगैरह वो जहाँ छोड़ी थी वहीं के वहीं पड़ी है। जी, अभी जी, तक एक कंकड़ भी नहीं लाया वहाँ से। जी जी। इस कारण वापस चुनाव मैदान में गांव के लोगों ने कहा गोर्धन जी को आपको आना पड़ेगा, तो उस हिसाब से आप मैदान में आए। तो सर साहब, यहाँ शिक्षा का स्तर कैसा है और शिक्षा के लिए आपके माध्यम अगर आप सरपंच बनते तो क्या प्रयास करवाए जाएंगे? सर, शिक्षा का स्तर थोड़ा ठीक नहीं है, इसके लिए हम प्रयास करेंगे कि थोड़ा और भी सुधार हो शिक्षा का। जी जी। इसलिए हम थोड़ा प्रयास करेंगे। सर साहब, और क्या एजेंडे हैं आप, क्योंकि ये जो सोडलपुर है यहाँ तो विशेष तौर से सोडलपुर में ऐसी कौन सी समस्या है जिसका समाधान करवाना चाहेंगे? यहाँ तो मेन तो सर यहाँ माता जी का स्थान है। जी जी। आशापुरा माता जी, ये पर्यटक में टूरिस्ट परेड हाँ होना चाहिए। टूरिज्म का दर्जा दिलवाना। टूरिज्म का दरवाजा दर्जा दिलवाना जी। तो इससे क्या थोड़ा गांव का विकास भी हो जाएगा उसके माध्यम से, और गांव का नाम भी रोशन होगा। गांव का नाम भी रोशन होगा। जी जी। मेन मुद्दा तो ये है। तो सर साहब, यहाँ वैसे क्योंकि 95% खेती पे डिपेंड है, लोग ज्यादातर दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, खेती करते हैं, तो किसानों के लिए आपके क्या प्रयास हैं? किसानों के लिए सर यहाँ तालाब बना हुआ है तो वो तो पानी बिल्कुल नहीं रहता उसमें। जी जी। थोड़ा बहुत रह जाता है, लीकेजिंग से सारा निकल जाता है, तो फिर कुओं से सिंचाई करनी पड़ती है। जी जी। तो किसानों के लिए आप क्या करवाएंगे अब, उनके लिए क्या सुधार? यही तालाब वापस उसको सुधार किया जाएगा। जी जी। इसके लिए हम प्रयास करेंगे। गोर्धन जी, अपने यहाँ इस क्षेत्र में बाल विवाह, बहुवाह, दहेज प्रथाएं, ऐसी प्रथाएं चल रही है, तो उनके लिए, उनकी रोकथाम के लिए क्या प्रभावी कदम उठाएंगे आप? इसके लिए सर हम मिल के करेंगे कोई प्रयास ऐसा। जी जी। ना हो। जी जी। ग्राम पंचायत में समाज सुधार कार्य करवाए जाएंगे। वर्तमान में आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किस प्रकार करवा रहे हो, क्योंकि चुनाव प्रचार भी करवा रहे हो, इस एक तरफ क्या कोरोना चल रहा है, तो लोगों में प्रचार के समय किन बातों का ध्यान रख रहे हैं? बस यही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का बता रहे हैं सबको। जी जी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो और आपस में निश्चित दूरी बनाए रखो। निश्चित दूरी बनाए रखो कर रहे हैं। तो गाँव के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? गाँव के लोगों को तो यही संदेश है कि आप बीमारी से थोड़ा दूर रहो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो। जी जी, यही बात कहूँगी। धन्यवाद सरपंच साहब, आरपीडी न्यूज में समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।